माँ के हाथों का स्वाद हमें कहीं और नहीं मिलता है। स्वाद के साथ साथ माँ उसे प्यार से बनाती है। आज का ये वीडियो आटे का खीचिया या जिसे खजला कहते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये खीचिया हेल्दी है क्योंकि इसे आप रोस्ट करके खा सकते हैं और अगर आप चाहे तो इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं। सेकने और तलने के बाद इसकी साइज तो आप देख ही रहे हो। सबसे पहले हम 2 लीटर पानी उबलने के लिए रख दें, फिर एक पतीले में आटा, जीरा, नमक और पापड़ खार मिक्स कर लें। नमक अपने टेस्ट के अनुसार 40 से 50 ग्राम के बीच में डालें। उबलता हुआ 2 लीटर पानी इस आटे के मिक्सर में डालें और ध्यान रखना है कि आटा और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए, कहीं पे भी सूखा आटा ना रहे, और इस मिक्सर को 1 घंटे के लिए ढक के रख दें। 1 घंटे के बाद एक बड़े पतीले में गर्म पानी करें और आटे को अच्छे से मथ लें, तेल चलनी में लगा लें और साथ ही साथ आटे में भी तेल डाल के उसे अच्छे से मथें। इस प्रकार हाथ में बड़े लोए ले लें, उसे अच्छे से मथते हुए फ्लैट करके बीच में होल बना लें, इसे ढोकला कहते हैं। चलनी जब ऊपर तक ढोकले से भर जाए तो उसे गर्म पतीले के ऊपर रख लें और इसे हम 1 घंटे तक स्टीम करेंगे। गैस की फ्लेम फुल रहेगी और इस बात का ध्यान रहे कि स्टीम बाहर की तरफ ना निकले। 50-60 सेकेंड के बाद इन ढोकले को आप चेक करें, अगर ये हाथों में ना चिपके इसका मतलब ये तैयार है। अब अपने किचन के प्लेटफॉर्म में थोड़ा तेल डालें और बेलन के हेल्प से इस ढोकले को अच्छे से स्मूथ कर लें, फिर छोटी छोटी लोइयां बना के एक बड़े पतीले में डाल के उसे ढक ले। इन लोइयों को आप घी लगा के यूं भी खा सकते हो। पापड़ मशीन या पूरी मशीन, इन दोनों में से आप किसी को भी यूज करें। 2 प्लास्टिक की शीट ले लें और उनके बीच में ये लोइयां डाल के उन्हें 2 बार प्रेस करें, और हाँ, इन लोइयों में थोड़ा थोड़ा तेल जरूर लगाएं। फिर आप अपने टेस्ट के अनुसार लोइयां पतली और मोटी बेल सकते हो। आप चाहे तो प्लास्टिक के बीच में ये लोइयां रख के यूं भी बेल सकते हो। एक दिन तक इसे पंखे के नीचे सुखाएं और दूसरे दिन अच्छे से धूप लगने के बाद ये खजले तैयार है खाने के लिए।